झारखंड सरकार की अभिशंसा पर केंद्र सरकार की ओर से जैन तीर्थ सब में शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का श्री सकल जैन समाज प्यावर ने कड़ा विरोध किया है। केंद्र सरकार की उक्त अधिसूचना को वापस लेने की मांग को लेकर बुधवार को श्री सकल जैन समाज ने शहर भर में एक मौन जुलूस निकाला। मौन जुलूस के रूप में शहरी क्षेत्रों से होते हुए सभी लोग उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां पर उपखंड अधिकारी मृदुल सिंह को देश के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया। एसडीएम सिंह को दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि झारखंड सरकार की अभिशंसा पर केंद्र सरकार की ओर से जैन तीर्थ सम्मेलन शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का श्री सकल जैन समाज विरोध करता है और सरकार की उक्त अधिसूचना को वापस लेने की मांग करता है। ज्ञापन ने बताया कि जैन तीर्थ स्थल सम्मेलन शिखर से संपूर्ण जैन समाज की आस्था जुड़ी है। अगर इस तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित किया जाता है तो वहाँ पर अवांछनीय गतिविधियाँ बढ़ेगी, जिससे जैन समाज की आस्था को ठेस पहुँचेगी। अपनी मांग को लेकर ज्ञापन देने के लिए श्री सकल जैन समाज के बैनर तले सैकड़ों पुरुष श्वेत वस्त्रों तथा महिलाएं चौंदरी के परिधान में शांतिपूर्वक मौन जुलूस के रूप में अपनी मांग के समर्थन में हाथों में तख्तियां लिए शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। कानून व्यवस्था तथा सुरक्षा की दृष्टि से जुलूस के साथ साथ पुलिसकर्मी भी चल रहे थे। इस दौरान श्री सकल जैन समाज के आह्वान पर जैन समाज के सभी लोगों ने अपने अपने प्रतिष्ठान भी बंद रखे। ज्ञापन लेने के दौरान एसडीएम मृदुल सिंह ने ज्ञापन को अपनी ओर से उचित स्तर तक पहुंचाने का विश्वास दिलाया। आज जो ज्ञापन दिया गया, इसका कारण हमारे सम्मेलन शिखर जो तीर्थ है जैनियों का, समग्र जैन समाज का, उसके साथ में झारखंड सरकार ने खिलवाड़ किया है तथा उसको पर्यटक स्थल घोषित करने की जो घोषणा की है हम उसका विरोध करते हैं। और अगर पर्यटक स्थल घोषित करता है तो हमारे जैन धर्म व जैन तीर्थ की अवहेलना होती है। अगर पर्यटक स्थल होता है तो वहाँ पे मांस मदिरा और अन्य गतिविधियाँ होगी, जिससे जैन समाज कलंकित होगा। हम झारखंड सरकार व केंद्र सरकार से यह आग्रह करते हैं कि आप इसे पर्यटक स्थल घोषित नहीं करें और जो हमारा तीर्थ की जो आस्था बनी हुई है उसको बरकरार रखें। अगर आपने पर्यटक स्थल घोषित करने का ऑर्डर वापस नहीं लिया तो जैन समाज को मजबूरन नया कदम उठा के आंदोलन करना पड़ेगा, जिसकी समस्त जवाबदारी केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार की होगी। खुशी केक एंड पेस्ट्री आपके बर्थडे पार्टी व यादगार उत्सवों के लिए प्राकृतिक रंगों से बनी एगलेस केक, लव केक, स्ट्रॉबेरी केक, चॉकलेट केक, रेड वेलवेट केक, चीज केक, वॉलनट केक, शुगर फ्री केक और भी केक की अनेक वेराइटियाँ। साथ ही नायाब चॉकलेट व गिफ्ट हैम्पर, बर्थडे डेकोरेशन आइटम और लजीज चॉकलेट पिज्जा, साथ ही लजीज पेटीज, बिस्कुट और टेस्टी शेक और आइसक्रीम के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था। बर्थडे और पार्टी के लिए हॉल की बेहतर सुविधा के साथ तो आज ही चले आए खुशी केक एंड पेस्ट्री, अरिहंत कॉम्प्लेक्स के पास, कॉलेज रोड, ब्यावर। मोबाइल नंबर 8890103504।